कांग्रेस का राहुल गांधी की जासूसी कराने का सनसनीखेज आरोप। दिल्ली पुलिस की दलील, सिर्फ सुरक्षा कारणों से हुआ सर्वे, राजनीतिक दबाव से इनकार। मसरत की रिहाई को महबूबा मुफ्ती ने ठहराया जायज, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोली, बिना ठोस आधार के किसी को बार बार गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभी जेल में ही रहेगा मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीर रहमान, लखवी की हिरासत एक महीने और बढ़ी, रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी पंजाब सरकार। कोयला घोटाले मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का केस लड़ेंगे कपिल सिब्बल, अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील की तैयारी। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ नीतीश कुमार की मोर्चाबंदी, पटना में एक दिन का उपवास। लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान, पार्लियामेंट स्क्वायर में बापू की प्रतिमा का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया अनावरण। उधर गोवा की बीजेपी सरकार का अजीब गरीब फैसला, सरकारी छुट्टियों की सूची से गांधी जयंती को किया बाहर। नागपुर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में शिरकत करने पहुंचे नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, भैया जी जोशी बने सर कार्यवाह। दिल्ली के संत रविदास कैंप में निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाने से बवाल, पुलिस ने फिल्म निर्माता केतन दीक्षित को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में इलाज के बाद कल दिल्ली लौटेंगे अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर्स का दावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ब्लड शुगर घटा, खांसी भी नियंत्रण। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी झगड़े में एक और खुलासा, प्रशांत भूषण का नया मेल लीक, ईमेल में पीएससी सदस्यों से रबर स्टैंप न बनने की बात। तृणमूल कांग्रेस में मुकुल रॉय का खुला विरोध, टीएमसी समर्थित संगठन ने मुकुल को नंदीग्राम में घुसने से रोका, बैरंग मुकुल कोलकाता वापस। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की तनातनी बढ़ी, सिलीगुड़ी में हिंसक झड़प, एनएच पर जैम। लगातार बारिश से महाराष्ट्र में सब्जियों की कीमत सातवें आसमान पर, तो पश्चिम बंगाल में आलू की ज्यादा पैदावार किसानों के लिए बनी मुसीबत। छत्तीसगढ़ में सरकारी कॉलेजों में छात्रों को मिलेगी मुफ्त वाईफाई सुविधा, राज्य सरकार के बजट में कई लोक लुभावन ऐलान। केरल में एलडीएफ का राज्य सरकार के खिलाफ बंद, सड़कों पर कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ और हंगामों से कई हिस्से में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। जम्मू में स्वास्थ्य मंत्री लाल सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एक महिला डॉक्टर ने मंत्री पर लगाया बदतमीजी का आरोप। हरियाणा के करनाल में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार डंपर की टक्कर में 5 की मौत, 3 युवतियां मरने वालों में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बदला मौसम का मिजाज, हिमाचल प्रदेश में 48 घंटों की बर्फबारी का अलर्ट। विश्व कप में टीम इंडिया की लगातार छोटी जीत, जिम्बाब्वे को 6 विकेट से धोया, रैना की सेंचुरी, देश भर में जश्न। आज के मैच के हीरो सुरेश रैना विश्व कप के बाद लेंगे साथ फेरे, मां की सहेली की बेटी के साथ शादी का परिवार ने किया फैसला। लॉस एंजल्स में कार्यक्रम में पहुंची अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल, लगाए ठुमके, मिशेल का अंदाज देखकर कोई हैरान। जर्मनी की सर्वोच्च अदालत ने बुरखे पर दी राहत, कहा पढ़ाई में बाधा ना हो तो मुस्लिम टीचर्स पहन सकती हैं बुरखा।